नमस्कार दोस्तों, लगातार नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, रोजगार पंजीकरण में आधार कार्ड जुड़वाएं। दोस्तों मैंने इससे पहले भिवानी का एक जो न्यूज़पेपर में आई थी वो कटिंग दिखाई थी, एक ऑफिशियल टाइप का एक नोटिफिकेशन था वो भी दिखाया था, हिसार में आई थी एक ऑफिशियल अखबार की टाइप से वो भी दिखाया था। अब ये आई है पलवल की तरफ से, रोजगार पंजीकरण में आधार कार्ड जुड़वाएं। तो दोस्तों एक बार इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, छोटी सी फुटेज है। रोजगार विभाग में पंजीकृत सभी प्रार्थियों का रोजगार विभाग की वेबसाइट HREX.gov.in पर अपना आधार कार्ड 10 दिन के अंदर अपडेट करवाना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा अपने एम्प्लॉयमेंट से पूछ सकता है कि ये 10 दिन कौन से हैं, ये 10 दिन कौन से, मतलब आज से भी 10 दिन हो चुके हैं, कल से 10 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक डेट देनी चाहिए थी कि भाई 24/2 या फिर 2020 या 30/3 फलाना दिख रहा, कुछ भी ऐसे डेट देनी चाहिए थी कि इस तारीख तक अपना जमा करवाएं। यहाँ पर अभी भी मुझे ये लगता है कि ये शायद नए बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन इसके आगे अखबार में एक लाइन और बोली गई है कि ये देखिए, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए अपने संबंधित कार्यालय में अपना रोजगार रजिस्ट्रेशन कार्ड व मूल आधार कार्ड लेकर के किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं तथा अपना आधार नंबर रोजगार के पोर्टल पर निःशुल्क अपडेट करवा सकते हैं। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने दी। दोस्तों जो कि पलवल से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना ये देखिए कि ये रहो, रोजगार विभाग की पंजीकृत सभी प्रार्थियों का रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जमा अपना आधार कार्ड, सभी प्रार्थियों में तो सभी आ गए, सभी का मतलब ऑल भाई, मतलब सारे आगे, सभी का मतलब यही होता है, लेकिन 10 दिन कौन से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ आपको मैं नोटिस कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि अगर आप ये नहीं करवाते तो आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं करवाते तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, अगर आप ये अपडेट नहीं करवाते तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं करवाते तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक नोटिस आ रहा है कि अपना HREX.gov.in के ऊपर अपना आधार कार्ड 10 दिन के अंदर अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो आप लोगों को मैं सुनिश्चित करवा दूं कि बहुत सारे बच्चों का मैंने मेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाया था, उस पे अगर जा कर के देखते हैं तो वो आधार नंबर पहले से ही है, वहाँ पर जा कर के देखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, वहाँ पर आधार कार्ड पहले से ही शो कर रहा है, तो फिर दोबारा से अपडेट करवाने का क्या फ़ायदा, अगर जो चीज़ पहले से ही वहाँ पर है अब वहाँ पे दोबारा भेजने का क्या फ़ायदा। हो सकता है कि ये नोटिस नए बच्चों के लिए हो, लेकिन यहाँ पर सभी भी लिखा हुआ है, तो सभी का मतलब तो सभी आगे, आपा भी आगे, जो पुराने कैंडिडेट थे वे भी आगे, तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जो कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल नियर हो तो उसकी पूरी पुख्ता जानकारी करें और हमें कमेंट बॉक्स में करें या फिर हमें मेल आईडी पर बताएं, जो भी हो। और प्लीज़ मेल आईडी पे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, कोई नोटिस हो तो वो बताया करो, मेल आईडी पे क्वेश्चन मत पूछा करो मेरे भाई, मेल आईडी पे 100-100 मेल आती हैं यार, किस किस का चेक करूँ, कोई बच्चा नोटिस भी भेजता तो उसका नोटिस भी रह जाता है यार तुम्हारे चक्रों में, मतलब कोई पूछता है मेरा भत्ता अपलोड नहीं हुआ अब मैं क्या करूँ भाई, इस ऐसे ऐसे कमेंट बॉक्स में कर दिया करो यार प्लीज़, ऐसे ऐसे मेल आईडी पे मत भेजा करो, कोई नोटिस हो इम्पोर्टेंट वो सेंड कर दिया करो, मैं बता दिया करूँगा कि भाई इस भाई ने सेंड किया है नया नोटिस, इस भाई ने सेंड किया है यार। आप पहले ही मतलब ये बोल रहे हो कि मेरा जनवरी का भत्ता नहीं आया, फरवरी का भत्ता नहीं आया, कुछ तो बोल रहे हैं कि मार्च का नहीं आया, क्या कर रहे हो भाई, फरवरी का अभी चल रही है, जनवरी का आएगा फरवरी में, और अभी बहुत सारे बच्चों का लेट अपडेट हुआ है, सैलरी आ जाएगी 20 तारीख तक, वेट करो थोड़ा, आ जाएगी, अब की बार हमारी भी नहीं आई है, थोड़ा वेट करते हैं भाई, ठीक है, सैलरी सबकी आ जाएगी अपलोड होने के बाद में। तो मेल आईडी मैंने आप लोगों को बता रखी है, sumitsyoran84@gmail.com, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी नोटिस होता हो तो मेरे पास सेंड कर दिया करो। ये थी पलवल से न्यूज़, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने डिस्ट्रिक्टों से कमेंट कर दिया करो, जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे ज़्यादा बच्चे लगते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को वो न्यूज़ प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाता है तो प्लीज़ इस बात का पूरा पुख्ता न्यूज़ को पता करें कि क्या सभी को मतलब सभी को जमा करवाना है, सभी को मतलब अपडेट करवाना है आधार कार्ड, तो एक बार ये अपना जानकारी है वो पता कर ले, क्योंकि 4 तारीख पे मैंने ओपन करके देख लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा विद प्रूफ के साथ, ये तो आप अखबारों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइप दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, नए सक्षम साथियों को ऐड करवाया करो,
ग्रुपों में वीडियो को शेयर किया करो। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।